दोस्तों आपके सामने एक नई प्रॉब्लम लेके आए हैं हम, जो अभी सडनली गाड़ी में आई है, सोनेट के अंदर, IMT के अंदर। ये फ्यूल गेज की प्रॉब्लम है। अभी हमने फ्यूल डलवाया था 1,000 रुपये का, जिसमें कि 57 की रेंज आई थी। अभी आपने देखा कि 42 से 41 एकदम से फ्लैक्चुएट हुआ है। ये रेंज मीटर जो है बहुत जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट हो रहा है। हम गाड़ी को रन कर रहे हैं और गाड़ी को रन करते वक्त आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं जाएगी उससे पहले हमारा फ्यूल रेंज जो है वो घट जाएगा। अभी दोस्तों गाड़ी चल रही है, आप देखते रहना कितनी जल्दी रेंज घटती है। अभी हमने जो है 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, 157 किलोमीटर से 140 हो गया। ये देखो सडनली अभी 40 भी हो गया, आपके सामने हुआ है ड्रॉप। बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉपिंग हो रही है। तो इसके अंदर जो हमें ख़राब मिलेगा वो हमें फ्यूल गेज मिलेगा टैंक के अंदर। अब आगे की वीडियो जो है हम आगे दिखाएंगे कि जब हम फ्यूल टैंक को खोलकर उसमें गेज को चेंज करेंगे और आफ्टर गाड़ी चलाएंगे हम पार्ट को रिप्लेस करने के बाद।